टेस्टी और हेल्दी है बच्चों के लिए और हमारे लिए भी। तो जब मैंने ये खिचड़ी पहली बार बनाई तो बच्चों ने खा के फिर दोबारा से मेरे से मांगने लगे, तो उस टाइम से मैं ऐसे ही खिचड़ी बना के बच्चों को देती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये मल्टीग्रेन खिचड़ी। तो मैंने यहाँ पे सोयाबीन लिया है, इस सोयाबीन को थोड़ी देर गर्म पानी में बॉईल करके और निचोड़ के मैंने ले लिया है इसको। यहाँ पे मैंने दाल लिया है, ये उड़द की दाल है धुली हुई, ये मैंने आधी कटोरी के करीब लिया है। यहाँ पे मैंने चना दाल लिया है, ये भी आधी कटोरी है। ये मैंने ब्राउन राइस लिया है, ये मेरे पास ब्राउन राइस पड़ा हुआ है तो मैंने ब्राउन राइस लिया है। और इससे खिचड़ी बनाने पे बहुत टेस्टी लगता है। अगर आपके पास नॉर्मल राइस है तो नॉर्मल राइस से बना सकते हैं। और ये मेरे पास है मल्टीग्रेन दलिया, जो पतंजलि की दलिया है, और इसमें है बाजरा, मूंग दाल, और ये गेहूं के टुकड़े हैं, चावल के टुकड़े हैं, और अजवाइन है। इससे खिचड़ी बहुत टेस्टी बनती है। और इसमें मूंग दाल है इसलिए मैंने अलग से मूंग दाल नहीं लिया है, तो इसमें हर चीज है तो मैं नहीं ले रही हूँ। और ये मटर है आधी कटोरी के करीब। यहाँ पे मैंने तीसी लिया है, इसको फ्लैक्स सीड बोलते हैं, तो हमारे यहाँ इसको तीसी बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं देख लीजिए। और ये यहाँ पे मैंने प्याज लिया है और टमाटर लिया है। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट तड़के के लिए लिया है, ये मैंने अदरक को छील के और धो के और कूट लिया है मैंने इसको। तेज पत्ता लिया है, लाल मिर्ची लिया है एक ही, और ये जीरा लिया है। तो ये मेरा फर्स्ट तड़के का सामान है, मैं इसमें सेकंड तड़का नहीं लगाऊंगी क्योंकि मेरे बच्चे नहीं खाते हैं लहसुन का तड़का। तो आप चाहें तो लहसुन, जीरा और ये करी पत्ता से सेकंड तड़का लगा सकते हैं, उससे खिचड़ी और भी टेस्टी बन जाएगी आपकी। तो मैं वो तड़का नहीं लगाऊंगी। यहाँ पे मैंने लिया है सूखा पाउडर मसाला, ये मेरे पास धनिया है, कलर के लिए हल्दी है, और थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है, और ये मैंने नमक लिया है, घी लिया है तड़के के लिए। तो मैंने यहाँ पे कुकर में घी रखा है। सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी फ्लैक्स सीड्स, और जो तड़के के लिए सामान मैंने लिया है ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। सबुन लेंगे, अब इसमें हम प्याज ऐड करेंगे, साथ में टमाटर भी ऐड कर देंगे। तो ये हमारा प्याज लगभग अब भून गया है, इसको लाल नहीं करना है हमें। अब इसमें डाल दूंगी मैं सोयाबीन, सोयाबीन को थोड़ी देर के लिए भूनेंगे, ये बस 3-4 मिनट के लिए हम इसको भूनेंगे। और ये खिचड़ी हमारी लगभग 10 से 15 मिनट में बन के रेडी हो जाती है। तो आप ये हेल्दी के साथ साथ टेस्टी भी आपको लगेगा ये। तो मैगी की जगह पे आप बना के खा सकते हैं इसको, सोयाबीन तो हर समय घर में रहती ही है, और कोई वेजिटेबल आप ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं, मैं बस मटर ऐड करूंगी। तो यहाँ पे मैं मटर ऐड कर दूंगी, तो इसमें ये मल्टीग्रेन दलिया ऐड कर दूंगी, अभी ये दाल ऐड कर दूंगी, ये उड़द की दाल ऐड कर दूंगी, ये ब्राउन राइस ऐड कर दूंगी। और इस स्टेज पे आप चाहें तो अगर पालक है तो थोड़ा बहुत पालक भी ऐड कर सकते हैं, ये आपका और भी हेल्दी हो जाएगा। और जिनको ज्यादा चटपटा खाना है वो गरम मसाला वगैरह ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये हम अगर ब्रेकफास्ट में बनाएं, बच्चों की टिफिन में दें, तो ये हमारे लिए बहुत हेल्दी है। तो आप ऐसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डालूंगी थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, ये हल्दी डालूंगी, थोड़ी सी धनिया पाउडर डालूंगी, ये 1 चम्मच के करीब मैं नमक डाल रही हूँ, मिला लेंगे हम अच्छे से इसको। तो अभी मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी, अभी इसमें हम ढक्कन लगा देंगे और 1 सीटी आने तक हम इसको पकाएंगे। तो 1 सीटी अभी आ गई है, तो मैं गैस बंद कर दूंगी और थोड़ी देर के लिए हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे।
जब ये ठंडा हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसी खिचड़ी बनी है। तो तैयार है हमारा ब्रेकफास्ट सोयाबीन खिचड़ी, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और बच्चों को तो सोयाबीन बहुत पसंद आता है। तो बच्चों को खिलाने के लिए आप इसमें पम्पकिन भी ऐड कर सकते हैं, वो बच्चों के ब्रेन के लिए बहुत अच्छा रहता है। और मूंगफली भी भून के डाल सकते हैं तो बच्चे बड़े चाव से खाएंगे और पम्पकिन ऐसे ही खा लेंगे, नखरे भी नहीं दिखाएंगे। तो ये था मेरा आज का टेस्टी और हेल्दी खिचड़ी। सो फ्रेंड, कैसा लगा मेरा ये वीडियो? अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।